नमस्कार, आप और हम मनोविज्ञान पर आधारित रोचक कार्यक्रम है जो आपकी और हमारी जिंदगी के हर स्वरूप से बेहद करीब से जुड़ा है। मैं मीनू शर्मा आप सभी दर्शकों का भावपूर्ण स्वागत करती हूँ। आइए एक बार फिर मिल बैठें, मन की बातें कहें और मनोविज्ञान से जुड़े इस ज्ञानवर्धक, कलात्मक, रचनात्मक हर विषय पर चर्चा करें आप और हम। साथियों, आज बात होगी इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस, जिसे बुद्धि या अंतःकरण भी कहते हैं। इस रोचक विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस किरणप्रीत जी। आप एक लाइफ कोच हैं, साथ ही ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं और विशेष सहयोग देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर स्नेहल, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आप और हम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्नेहल जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का मनोविज्ञान की भाषा में क्या स्वरूप है? जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, एक आम व्यक्ति के लिए इंटेलिजेंस का मतलब वो एक तार्किक विचार कर सकता है, अपने वातावरण में किस तरह से एडजस्ट हो सकता है जी। अगर कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकता है, वो एक इंटेलिजेंस होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकारों मनुष्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं जी, जी। किसी में सामान्य इंटेलिजेंस होता है, किसी में सामान्य से ज्यादा और किसी में सामान्य से कम। लेकिन स्नेहल जी, बुद्धि को तो देखा नहीं जा सकता, तो फिर मनोविज्ञान में इसका मापदंड क्या होता है? बुद्धि को कैसे मापेंगे कि अमुक व्यक्ति में बुद्धि सामान्य है या सामान्य से अधिक है या सामान्य से कम है? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। इवन हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं, वो सेम प्रश्न करते हैं जी। बुद्धि को मापने का हमारे पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट हम यूज करते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आपका एक वर्बल टेस्ट होता है और एक परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में बच्चे को कुछ काम करके या कुछ एक्टिविटीज को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, और वर्बल में हम उस बच्चे से कुछ सवाल करते हैं जिसके द्वारा हम उसकी तार्किक शक्ति, उसकी जनरल नॉलेज और अपने वातावरण की समझ सूझबूझ के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि एक तरफ जहाँ बुद्धि को हम एक मापदंड के तौर पर नापते हैं, उसको वहां से देखते हैं, तो वहां हम मन में एक प्रश्न आता है कि बुद्धि की एक विविधता भी होगी। तो जहां किरणप्रीत जी, जहां पर एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में एक जैसा व्यवहार होते हुए भी बच्चों में उनके अपने अनुभव होते हैं, उनकी अपनी अनुभूति होती है, सबका अलग अलग व्यवहार होता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है बौद्धिक क्षमता में विविधता ये किस प्रकार आप उसको देखते हैं जी? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसकी अभी आपने बात करी जी, ये एक बहुत ही रीसेंट थ्योरी है इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंटेलिजेंस में, और ये प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में प्रपोज की थी। मनुष्य में इंटेलिजेंस किसी एक फील्ड में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम मल्टीपल फील्ड्स में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस या जिसे हम ह्यूमन स्मार्टनेस कहते हैं, उसको मापने का एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, वो है IQ टेस्टिंग जी, जो कि बहुत ही बायस्ड माना गया है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं और अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं तभी आप इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आप उसमें अच्छे नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको शो कर देता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। जो प्रोफेसर गार्डनर है उन्होंने इसी नोशन को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है और जो हमारा कल्चर है वो सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के ऊपर ही ध्यान ना दे, बल्कि 6 तरह की और इंटेलिजेंस है जिसके बारे में उन्होंने बात की है, उसकी नॉलेज एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स अगर हमें होगी तो हम अपने बच्चों को सही गाइड कर सकते हैं, सही राह पर ले जा सकते हैं कि वो अपने अंदर प्रेजेंट इंटेलिजेंस को जांचें और उसे अपने बेनिफिट और अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे अभिभावकों को भी अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं मालूम होता कि उनका बच्चा किस बौद्धिक क्षमता के किस स्तर पर ऊपर है या किस स्तर पर नीचे है। तो कृपया थोड़ा और हमें जानकारी दीजिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के और क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं जी।
जो प्रोफेसर गार्डनर हैं उन्होंने मेजरली 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है. जो सबसे पहली इंटेलिजेंस है, आज मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी जो आपको और पेरेंट्स जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ये मदद करेगा कि अगर वो अपने बच्चे में रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि किस तरह की इंटेलिजेंस प्रेजेंट है. सो सबसे पहली इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने प्रेजेंट की है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मींस वर्ड स्मार्ट. ऐसे लोग जो होते हैं अपने वर्ड्स को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करते हैं. दे आर वेरी गुड इन रीडिंग, राइटिंग. अगर आप उन्हें डिबेट्स में, डिस्कशंस में भेजते हैं तो वो बहुत बढ़िया कर दिखाते हैं. दूसरे हैं हमारे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं नंबर स्मार्ट. ऐसे लोग मैथ्स में, मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, उन्हें रिमेम्बर कर पाना, उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाना इफेक्टिवली उसमें बहुत बढ़िया होते हैं. दे आर वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. दे आर वेरी गुड इन यू नो थिंकिंग एंड कैलकुलेटिंग. कैलकुलेशंस में, क्वांटिफिकेशन में बहुत बढ़िया होते हैं. तीसरे हैं विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस. ऐसे लोग होते हैं पिक्चर स्मार्ट. इनको कलर सेंस बहुत अच्छी होती है. पिक्चर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाना ये बहुत ब्यूटीफुली और बहुत एक्यूरेटली कर पाते हैं. ऐसे लोग आप देखेंगे फोटोग्राफी में और 3D मॉडल्स बनाने में बहुत बढ़िया कर पाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मींस बॉडी स्मार्ट. ये लोग अपनी बॉडी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली यूज करते हैं लाइक डांसर्स, और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू देयर आईज, थ्रू देयर हैंड्स. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू म्यूजिकल एंड रिदमिक इंटेलिजेंस, मीन्स म्यूजिक स्मार्ट. इसमें सिर्फ मतलब यही नहीं है कि ये म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बल्कि इनको जो सेंस ऑफ म्यूजिक है, साउंड है, टोन, पिच, इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है. इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स पीपल स्मार्ट. ये लोग लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत बढ़िया होते हैं. ग्रुप्स में काम करना इनकी मेन खासियत होती है. अगर आप इन्हें बिग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स हैंडल करने के लिए दें, ऑर्गेनाइज करने के लिए दें, तो ये बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं. दे आर नोन एज पीपल्स पर्सन. नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल. ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है सेल्फ स्मार्ट. ये लोग बिल्कुल भी लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते. दे आर वेरी शाय, बट इनके अंदर विजडम होती है. इंट्यूटिव पावर्स इनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, और ये मेजरली लर्न करते हैं थ्रू इंट्रोस्पेक्शन. सो दे राइट जर्नल्स, दे राइट नॉवेल्स, एंड दे आर द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल लर्नर्स. नेक्स्ट हम लास्ट जो हमारा है वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मीन्स नेचर स्मार्ट. ये लोग नेचुरल सराउंडिंग्स की तरह बहुत इंक्लाइंड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स. इनकी केयर करना, इनकी तरफ इनका बहुत रुझान होता है. हाइकिंग, कैंपिंग, आउटडोर एक्टिविटीज में दे डू रियली वेल. सो यू एज अ पेरेंट एंड एज अ मेंटोर, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे के अंदर ये देखें कि वो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस हाईलाइटेड है और उसे इस्तेमाल कर सके वो बच्चा अपने बेनिफिट के लिए और अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एट अ लार्ज. जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. आपने आज बुद्धि के को लेकर और बुद्धि की क्षमता, उसकी मापदंड को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी. निश्चित रूप से हमारे अभिभावकों का भी इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों का आपने ज्ञानवर्धन किया. यहाँ से हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर इससे पहले एक संदेश दिल्ली के दर्शकों के लिए. गर्मी का मौसम है, दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है. पक्षियों के लिए अपने घर के आसपास पानी की व्यवस्था अवश्य कर दें. यह पक्षी बेजुबान है, बेजान नहीं. धन्यवाद. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार किसी भी भाषा में धार्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक टीवी चैनलों पर लाइव शो एवं रिकॉर्डिंग कार्यक्रमों की कवरेज एवं प्रसारण से संबंधित उत्तम जानकारी सहित सुविधाओं और सेवाओं के लिए संपर्क करें. भरोसे का प्रतीक निर्माता निर्देशक श्री जय सिंह कटारिया, स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन, C7/123A1, Sector 7, नजदीक ईस्ट मेट्रो स्टेशन रोहिणी, दिल्ली 110085, फोन नंबर 9953
0705 9650 402 250. ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, बुद्धि का मापदंड किसी भी गणितीय गणना से बेहद ऊपर है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रेगुलर स्पीकर करियर डेवलपर मिस्टर तेजिंदर पाल सिंह गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही सादर आमंत्रित हैं श्री रजनीश वर्मा जी। रजनीश वर्मा जी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, बाय पैशन आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बाय चॉइस आप एक राजनीतिज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आप और हम। सर, बात यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस की चल रही है और यहाँ पर हर इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है व्यक्ति का करियर, तो सर इन दोनों को आप किस प्रकार जोड़कर देखना चाहेंगे? बिल्कुल मीनू जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें मल्टीपल करियर्स की चॉइस देती है जी। मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल करियर्स के रास्ते खोलती है। और खूबसूरत बात मीनू जी ये है कि हम अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस को कॉम्बिनेशंस में देखते हैं। कोई ना किस कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ हमारे में है, उस हिसाब से हम करियर की गाइडेंस हम देते हैं जी। जी, हम बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो ये लोग पीपल स्मार्ट होते हैं जी। तो यहां से हम टीचर ट्रेनर देखते हैं। हम इंट्रापर्सनल देखें तो ये लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं, यानी कि ये लोग इंट्रोवर्ट और अपने आप अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं। दोनों को यदि हम मिला दें मीनू जी, तो एक प्रखर टीचर एक ट्रेनर एक विख्यात एक ट्रेनर हम जो है ना देख सकते हैं। क्या बात है जी। और यदि बात करें अपनी विजुअल इंटेलिजेंस की, तो ये इंटेलिजेंस आपकी जो है ना आपको बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट आपको एनिमेटर बना सकती जी। आप यदि बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर आप बन सकते हैं। आप बात करें यदि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, तो आप देखिए कि आप अपनी लिंग्विस्टिक स्ट्रेंथ से कम्युनिकेशन से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें जुड़े हुए सारे करियर, चाहे वो सेल्समैन का हो पॉलिटिशियन का हो एंटरप्रेन्योर का हो। यदि हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें मीनू जी, जी, तो इस इंटेलिजेंस से हम अपने नेचर के साथ अपने प्यार को शो करते हैं। और ऐसे लोग अच्छे जू कीपर, ऐसे लोग वाइल्ड फोटोग्राफी, तो नेचर से जुड़े हुए करियर्स में वो प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम बात करें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की, तो इसमें हम अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं। इससे हमारे सिक्योरिटी के करियर, स्पोर्ट्स के करियर, हमारे मिलिट्री के करियर्स और कॉम्बिनेशंस में देखें तो और भी कई मल्टीपल चॉइसेस हमारी करियर्स में बनती है। और यदि हम लास्ट जो बिल्कुल नया एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो हम स्पिरिचुअल होकर एक अच्छे प्रीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छा हम जो है ना कर सकते हैं यदि हम इन इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई कर लें अपनी लाइफ में जी। इसका मतलब हमारे समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व की विविधता के साथ साथ इंटेलिजेंस की विविधता के साथ साथ उनके करियर में भी विविधता पाई जाती है। बस जरूरत है एक अच्छे दृष्टिकोण की। बिल्कुल। यहाँ मैं रुक करना चाहूंगी रजनी जी की तरफ। सर, आपने पॉलिटिक्स को बेहद करीब से देखा है। आप अन्ना हजारे जी के ऐतिहासिक एंटी करप्शन मूवमेंट के भी हिस्सा रहे हैं। उस आंदोलन की गूंज में एक आवाज आपकी भी शामिल थी। लेकिन सर, यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि जैसे सर ने बताया कि इतने एक लंबी लिस्ट है करियर्स की, तो जब भी कोई स्टूडेंट या कोई अभिभावक बात करते हैं कि क्या करियर चुना जाए, तो वहाँ पर उस लिस्ट में कहीं पर भी पॉलिटिक्स का नाम नहीं होता। तो सर, इसका आपके विचार में क्या कारण हो सकता है? बच्चों को चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बने जी, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन अगर हम देखें, हम बच्चों को राजा क्यों नहीं बनाना चाहते जी, किंग क्यों नहीं बनाना चाहते जी? आज के हमारे सिस्टम में कौन, हु इज द किंग? हमारे प्रधानमंत्री जी राजा हैं आज, और हम सब प्रजा हैं। हम अपने बच्चों को कोई राजा बनने का मौका क्यों नहीं देते? हम उनको वो चॉइस क्यों नहीं देते हैं? बहुत ही दुख की बात है।
तो क्या कहें हम अपने बच्चों को कि उन्हें लगे कि राजनीति में भी जाना चाहिए, उतरना चाहिए? क्योंकि राजनीति का नाम आते ही हाँ लोग उसको बड़ी ही गिरी नजर से देखते हैं, घृणा से देखते हैं। राजनीति क्यों? पॉलिटिक्स डर्टी, यहाँ तो स्कॉन्ड्रल्स होते हैं, यहाँ तो क्रिमिनल्स होते हैं, यहाँ तो भ्रष्टाचार है। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो सब कुछ है जो एक एक बच्चे को चाहिए। नेम, मनी, ऑथोरिटी जी, डिसीजन मेकिंग जी जी, आपकी इंटेलिजेंस, अगर आप में इंटेलिजेंस है, आप उस इंटेलिजेंस को यूज करके आप देश को अच्छी तरह अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो, अच्छे अच्छे डिसीजंस आप ले सकते हो, देश के लिए अपनी स्टेट के लिए अच्छी पॉलिसीज आप बना सकते हैं, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको आप बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि आज भी अगर एक इंजीनियर है वो हाईएस्ट पोस्ट पर भी पहुंच जाता है, चाहे वो एनडीएमसी में पहुंचता है या एमसीडी में पहुंचता है, चीफ इंजीनियर हो गया, कुछ भी हो गया जी जी, उसके ऊपर कौन आके बैठ जाता है? मिनिस्टर, हमारा पॉलिटिशियन जी, चाहे वो एमसीडी का काउंसलर हो या मेयर हो जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंजीनियर का बॉस कौन हो गया, बन गया, चाहे वो नॉट माई, चाहे वो आठवीं पास हो, दसवीं पास हो, बारहवीं हो, ग्रेजुएट हो, वो काउंसलर उसका बॉस बन जाता है जी। और इंजीनियर, क्वालिफाइड इंजीनियर को उससे इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है। इसी तरह से आईएएस ऑफिसर जो कि मोस्ट क्वालिफाइड है जी, उसके ऊपर भी हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है जी, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, लेकिन वो हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर उसको डायरेक्शन देता है आईएएस को। तो हम अपने बच्चों को पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि पॉलिटिक्स देखो, हर जगह हर फील्ड में अच्छाई भी है, बुराइयां भी हैं जी, गंद भी है, अच्छाइयां भी, हीरे भी, जवाहरात भी हैं जी, यहां भी। और पॉलिटिक्स में आप देखोगे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इसके लिए बच्चे के लिए, बच्चे को कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या यही एक प्रश्न चिन्ह हमारे अभिभावकों के मन में तो नहीं आता कि क्योंकि यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो, लेकिन वो अपने बच्चों को एक क्वालिफाइड और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहते? देखो वो उस समय था, क्योंकि हमारा यहाँ हिंदुस्तान में 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंट हुआ जी, तो बहुत सारे जो इस फील्ड में आए थे पॉलिटिशियन, वो सारे क्यों थे? जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की जी, उनकी उनकी उस समय क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता था, ये देखता था कि उन्होंने कितना संग्राम किया, अंग्रेजों से लड़ाइयां की, उन सब वो सब आगे बढ़े जी। और वो नेगेटिव चीज नहीं है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि आज डॉक्टर भी इंजीनियर भी एक हेल्थ मिनिस्टर हो सकता है जी जी, एमएलए हो सकता है, विधायक हो सकता है, टोटल फ्रीडम है। इवन बॉलीवुड का स्टार और जो एक्टर है, हीरो है जी, वो भी आज एमपी बनना चाहता है जी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जबकि सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही चमक है, दमक है जी। और आप देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप कुछ करें। जबकि और जो भी गवर्नमेंट में आना चाहता है, मेरे हिसाब से बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दें, उनको बोलें कि आप सब आइए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसमें रिटायर नहीं हो सकते, यू कैन सर्व अप टू एनी ईयर्स, 85 ईयर्स, 80 ईयर्स आल्सो जी जी। इसका मतलब देश की सेवा करने का अगर जज्बा है हाँ। या मैं अगर इसको इस तरह से कहूँ कि अगर आज आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा देश हमारे किसी कॉन्ट्रीब्यूशन से आगे जा सकता है, तो देशभक्ति का वो जज्बा लेकर आप भी पॉलिटिक्स में सही समय पर छोटी उम्र में ही उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है यह कार्यक्रम देखने के बाद दर्शकों का ज्ञानवर्धन तो हुआ ही होगा कि वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से किस प्रकार का करियर चुन सकते हैं, साथ ही उन्हें यह दिशा भी मिली होगी कि अगर जज्बा है कुछ अच्छा करने का समाज के लिए, देश के लिए, तो आइए राजनीति को अवश्य ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में आए और दर्शकों को एक और नई दिशा के बारे में जानकारी दी। दर्शकों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मिलकर बात करेंगे आप और हम। जब बनना चाहो नंबर वन, तेजेंद्र पाल सिंह गुलाटी का हो संग,
तेजेंद्र पाल सिंह गुलाटी, सर्टिफाइड करियर काउंसलर, एक सेशन जो बदल दे आपकी जिंदगी। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर चॉइस के बाद आवश्यकता होती है अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, तो एडमिशन से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित गुप्ता जी, जो विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में कार्यरत हैं। मैं विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज रोहिणी से अमित गुप्ता बात करता हूँ, जिसमें हमारे कार्यक्रम स्पेशल एजुकेशन में हम चलाते हैं, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से 5 डिप्लोमा कार्यक्रम इन स्पेशल एजुकेशन में चलाते हैं। डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जो पहला कार्यक्रम मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा कार्यक्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तीसरा कार्यक्रम सेरेब्रल पाल्सी, चौथा कार्यक्रम विजुअल एम्पावरमेंट, जो लास्ट कार्यक्रम हियरिंग एम्पावरमेंट, जो कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। और इनका जो समय अवधि है वो 2 वर्ष का है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं में 50% अंक मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एक अपना सेपरेट मैरिट निकालता है, उसके बाद फाइनलाइज एडमिशन होता है, जो कि जुलाई 2017 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ विजन इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्पेशल स्टडी सेंटर कोड है, जिसमें 10 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि जिनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, एमएससी सीएफटी, एमएसडब्ल्यू, एमपीए, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, और साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन का एक कार्यक्रम जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से संचालित है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि एक कार्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि 2009 में डिज़ाइन किया गया था विजन और जामिया के माध्यम से, और 2009 से ये लगातार पाठ्यक्रम विजन में चल रहा है, जिसमें लगभग हर वर्ष करीब करीब विजन इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो 100 बच्चे इसमें इन्रॉल्ड होते हैं, और लगभग इतने ही बच्चे पास करके बहुत सारे स्कूल जो आसपास के हैं एज ए स्कूल काउंसलर उसमें कार्यरत हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो आज का नज़रिया है लोगों का कि भाई मार्केट में क्या है क्या नहीं है, तो विजन इंस्टीट्यूट की और भी कई संस्थान हैं, एक हमारा संस्थान फरीदाबाद में है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ बने रहिए, जल्दी लौटेंगे आपके मन पसंद कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है आप और हम। नीला रंग प्रेम, मैत्री और विशालता का प्रतीक है। मनोविज्ञान में इस रंग को पीड़ाहारी माना गया है। ये रंग आँखों को आराम देता है। अनिद्रा के रोगी के लिए नीला रंग वरदान स्वरूप है। नीला रंग क्रोध को शांत करता है। शीतलता, ताजगी एवं स्फूर्ति का प्रतीक भी माना गया है। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस सेगमेंट में, जिसमें हम जीवन के सौंदर्य और कला की बात करते हैं, यानी विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। और आज हमारे स्टूडियो में जो आर्टिस्ट मौजूद हैं वो हैं मिस्टर आयुष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका। आयुष, आप हमारे दर्शकों को अपनी कला के विषय में कुछ जानकारी दीजिए, क्या है आपकी कला, आप किस कला में निपुण हैं? जी मैम, बिल्कुल मैम, मैं आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग बनाता हूँ, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट को लेकर पेंटिंग बनाता हूँ, मैं सिर्फ भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाता हूँ, चाहे वो एक्रेलिक मीडियम हो, ऑयल मीडियम हो, बाल रूप, बड़ा रूप। और मैम स्पेशल टैलेंट मेरे अंदर ये है कि मैं स्पीड पेंटिंग कर सकता हूँ। स्पीड पेंटिंग मतलब? मैम विद इन 3 or 4 मिनट्स मैं बहुत बड़ी पेंटिंग बना सकता हूँ। क्या बात है।
दर्शकों, आपने देखा किस तरह से रेखाओं और रंगों के संगम से आयुष जी ने कितना सुंदर सजीव चित्र श्री कृष्ण जी का हमारे सामने प्रस्तुत किया अपनी इस कला से। तो किरणप्रीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुष जी, एक जैसा कि आपने पहले सेगमेंट में हमें बताया कि वो पिक्चर स्मार्ट इंटेलिजेंस उनमें है, तो इसी कला से निकलकर मनोविज्ञान में आई है आर्ट थेरेपी जी। तो इस थेरेपी को आप पिक्चर स्मार्ट लोगों के साथ किस तरह से मनोविज्ञान में जोड़कर इसे देखती हैं, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए जी। आर्ट थेरेपी जो है हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही अपकमिंग थेरेपेटिक ट्रीटमेंट की तरह, थेरेपेटिक टेक्निक की तरह इस्तेमाल हो रहा है और ये एक बहुत ही असेंशियल टूल है इन मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। जब हम अपना क्रिएटिवली अपना एक्सप्रेशन ऑन पेपर करते हैं, अपना कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी पेंट अप इमोशंस, जो इमोशंस हमारे अंदर दबी हुई हैं या जिन चीज़ों से भी हम परेशान हैं, उसे वो पेपर पर निकाल देता है। किसी इंसान पर निकालने की जगह हम उसे पेपर पर निकाल देते हैं। और ये आर्ट थेरेपी जो है हर एज ग्रुप के लिए बहुत इस्तेमाल हो रही है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम वेरी अर्ली एज टू एनी एज। ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मदद करती है, बच्चों में कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जब आप एक गिवन पिक्चर के अंदर एक कलर करते हैं तो आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए कि वो कलर उस पिक्चर से बाहर ना जाए जी। और ये ओवरऑल हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेल बींग के लिए इस्तेमाल हो रही है और हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाती है, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताती है और कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को भी उभारती है। सो आर्ट थेरेपी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरापेटिक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इसका मतलब हम अपने मन की बात सिर्फ शब्दों से नहीं, हम अपने मन की बात रेखाओं और रंगों के सहारे भी कह सकते हैं और उन रेखाओं और रंगों के संगम से जो चित्र उभर कर आते हैं वे बहुत कुछ कहते हैं। शायद मनोविज्ञान में आर्ट थेरेपी का बहुत उल्लेखनीय योगदान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आयुष जी ने इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया और मैम आपने आर्ट थेरेपी के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज कार्यक्रम में हमने चर्चा की इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यही बुद्धि हमें हमारे वातावरण से अवगत कराती है, स्वयं को वातावरण में ढालने का ज्ञान और विवेक भी देती है। इसीलिए स्मार्ट करियर चॉइसेस के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि हमारी बुद्धि किस रूप में अधिक स्मार्ट है। मनोविज्ञान के जरिए हम अपनी इंटेलिजेंस को पहचान सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और अपने गुणों की पहचान होनी चाहिए तो हम अपना मंच खुद बना सकते हैं। इसी के साथ आज इजाजत लेते हैं। अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, आप और हम। अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या फिर कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी एवं सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9953805755, 9650405020।